टॉपिक चल रहा था जिस ताल्लुक से मैं एक बात कह रहा जी, था जी, प्लीज, प्लीज, और मेरा प्लीज. कहना है कि सबसे ज्यादा सिविलाइज एजुकेटेड कंट्री आज जो समझी जाती है वो अमेरिका समझी जाती है. लेकिन अमेरिका सहमत नहीं है, बल्कि हमें सहमत नहीं होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं. लेकिन एटलीस्ट लोकल परसेप्शन जो लोगों का है, मासेस का परसेप्शन तो यही है, और खुद उनका भी दावा यही है. ये एक ऐसे जैसे मिसाली कंट्री समझी जाती है. लेकिन वहां की अगर हम हकीकत देखें, यूएस की सीडीसी जो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने एक स्टडी किया तो एक साल के अंदर 1.3 मिलियन 13 लाख ऐसी औरतें मिली जिन्होंने कहा कि हमारा रेप हुआ है या हमारे साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है. तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन से ये चीज अगर सचमुच खत्म हो रही होती तो वहां खत्म हो गई होती. यहां से कई गुना ज्यादा क्यों मिल रही है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये सोचना होगा हमें. अब देखिए, एक मिसाल कह रहा हूं कि जैसे ये कुर्सी है और ये टेबल है, अगर हम यहां से उठ जाएं तो ये कुर्सी जहां वहीं पड़े रहेगी, ये टेबल जहां वहां पड़ा रहे, क्योंकि एक नेचुरल अट्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट होता है इन दोनों के दरमियान. लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसा मामला मर्दों और औरतों का नहीं है, और इस बात को हम क्यों डिनाई कर रहे हैं. फैक्ट ये है कि ये अट्रैक्शन अगर होता नहीं तो इंसानी रेस ही कंटिन्यू नहीं होता, रेस ही कंटिन्यू, मतलब ये एक नेचुरल चीज है जिस वजह से बच्चे पैदा होते हैं, एक नेचुरल अट्रैक्शन है. अब यहाँ क्या है कि इस चीज को डिनाई किया जाता है और कहा जाता है कि कुछ भी नहीं होता है, औरतों के कम लिबास पहनने से कुछ भी नहीं होता है. हालांकि एक नेचुरल अट्रैक्शन डज एग्जिस्ट, इसी वजह से एडवर्टाइजिंग में ये चीज क्यों यूज की जाती है, जो बिल्कुल गलत बात है. मर्दों के प्रोडक्ट में औरतें इस्तेमाल की जाती हैं. लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स क्या कहते हैं कि कुछ अट्रैक्शन नहीं है तो क्यों यूज कर रहे हैं, कुछ तो रीजन है. तो हम देखते हैं कि ये चीज को एक्नॉलेज ना करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. राइट. अब जैसे मिसाल के तौर पर यूएन में ये रिपोर्ट टेबल हो चुकी है. आप इंटरनेट पर अगर यूएन की रिसर्च ऑन अटैक्स एट वर्क की बात हम देखें तो उसमें आता है 41% वुमेन इन वेस्टर्न कंट्रीज का ये कहना है कि एट वर्क, काम पर, उन्हें किसी तरह का सेक्सुअल एडवांस सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा. ये एक हकीकत है, हम डिनाई नहीं कर सकते.